सिंगरौली जिले में पुलिस कप्तान वीरेंद्र सिंह के निर्देशन के बाद अवैध कारोबारियों एवं नशे के तस्करों के खिलाफ पुलिस कोई मुरब्बत नहीं करना चाहती। जहां देर रात माड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी का पर्दाफाश किया है, साथ ही 4 जनों को गिरफ्तार भी किया है। तस्करों के कब्जे से 15 किलो गांजा जब्त किया गया है। नीरज नामदेव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर माड़ा थाना प्रभारी DSP चंद्रशेखर पांडे ने सदल बल के साथ देर रात में अमेलिया घाटी के जंगल में घेराबंदी कर सफ़ेद रंग की ऑल्टो कार और एक बाइक की तलाशी ली, जहां ऑल्टो कार से 13 किलो एवं बाइक की डिग्गी से 2 किलो कुल 15 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसे जब्त कर मौके पर 4 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पूरा करते हुए हम लोग लगातार गांजे, अवैध शराब और कोडीन कोरेक्स इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में 31 तारीख को हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सराई से रजमिलान की ओर एक अल्टो कार जिसमें गांजा ले जाया जा रहा है। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई, थाना प्रभारी माड़ा चंद्रशेखर पांडे जो कि प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक हैं, इनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और टीम को रवाना किया गया। जैसे ही अल्टो कार अमेलिया घाटी में पहुंची तो पुलिस की गाड़ी को देख के उसको संदेह हुआ और वह भागने लगा। तो जैसे ही वह भागा तो उसको घेराबंदी करके पकड़ा, तलाशी ली गई तो कार में गांजा रखा होना पाया गया, जिसको फिर थाने लेके आए। इसमें 4 नफर आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके ऊपर 350/20 अपराध कायम करके NDPS एक्ट की धाराओं के तहत विवेचना में लिया गया है। इसमें एक बाल अपचारी भी है और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, विवेचना जारी है। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।